बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के दौर में एक आइडियल वुमेन को मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है, तभी तो वो लाइफ में एक सक्सेसफुल वुमेन बन सकती है। लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को कामयाबी से लेकर चलने के लिए बड़ी महारत की ज़रूरत होती है, जो कि वक्त और तजर्बा सिखा देता है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरह मैं भी रंगों से खेलने के साथ साथ अपनी फैमिली को पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ और बनाती हूँ इनके लिए घर के बने हुए हाइजेनिक और फ्रेश खाने, ताकि रख सकूँ अपनी फैमिली को हैप्पी एंड हेल्दी। मैं हूँ लुबना वैस और आप देख रहे हैं लुबनास मिक्स मीडिया चैनल। और आज हम पेंट और ब्रश को साइड पर रखते हुए पकड़ेंगे स्पैचुला और बनाएंगे बहुत ही आसान, सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से बनने वाली आइसक्रीम, जो कि बिल्कुल बाजार जैसी मज़ेदार, ठंडी ठंडी और चिल होगी। इसके लिए सबसे पहले हम एक मैंगो की प्योरे ले लेंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ रखेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। 200 ग्राम हमारे पास कंडेंस मिल्क है और 1 कप व्हिपिंग क्रीम और ड्राई फ्रूट ऑप्शनल हैं। सबसे पहले हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम को बाउल में डाल के अच्छा सा बीट कर लेंगे। ये इसकी स्टिफनेस देख लें कि ये बिल्कुल गिरनी नहीं चाहिए। और फिर इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे 200 ग्राम। देन इसको हम अगेन बीट करेंगे अच्छे तरीके से एंड देन इसमें हम मैंगो प्यूरे 1 कप के करीब जो थी वो हमने डाल के इसको अगेन बीट किया। और ये देखें, ये रेडी है। इसमें कोई शुगर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ कंडेंस मिल्क और मैंगो दोनों स्वीट हैं। और देन इसमें कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दूँगी, कुछ ऊपर डेकोर करने के लिए रख दूँगी। ये किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल लें, इसको अच्छे तरीके से सेटल कर लें, बैलेंस कर लें इसको जस्ट लाइक दिस, टैपिंग करते हुए। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो बच गए थे वो ऊपर डाल दें और इसको फ्रीज़र में 3 से 4 आवर के लिए रख दें। आफ्टर 3 to 4 आवर ये देखें रेडी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, ये बिल्कुल बाजार जैसी। ये देखें कितनी नरम और मज़ेदार। एक बड़ा ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाई थी। देखें कि वो क्या कहती हैं। और ये देखें, सारा बाउल हम लोगों ने चट कर लिया, फिनिश कर लिया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को स्टे ट्यून्ड रहें। अल्लाह।